फ्रेंड्स, तो ये है तुम्हारे लिए न्यू चैप्टर फ्रॉम पेपर वन एम वन से। ये न्यू चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर है वेक्टर्स, और नाउ यहाँ पर है पीरियड नंबर वन। देख लो फ्रेंड्स, ऑलरेडी आई हैव गिवन यू थ्योरम्स ऑफ वेक्टर्स चैप्टर नंबर 5। यहाँ पर मैं आपके लिए प्रॉब्लम दूंगा और थ्योरम जो है पीडीएफ के फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। तो ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ वेक्टर। देख लो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई हैव प्रोवाइडेड यू स्पेशल पीडीएफ ऑफ द चैप्टर दोस्तों। हाँ देख लो, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो, पीरियड स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गेट अपने ये पीडीएफ हमारे साथ होना। देख लो दोस्तों, फर्स्ट वन एबीसीडी ईएफ इज अ रेगुलर हेडसेट और दोस्तों देख लो फ्रेंड्स, ये है हमारे लिए रेगुलर हेडसेट और देख लो ए बी सी डी ई एफ। हाँ देख लो फ्रेंड्स, ये है हमारे लिए ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सेट। हाँ देख लो, हाँ क्या होना, देन हमें प्रूफ करना है। देख लो दोस्तों, क्या ये ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन दोस्तों। हाँ तो ये है रेगुलर हेक्सागन, यानी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल दोस्तों। देख लो, ये है क्या, ये बीसी बीसी इक्वल टू दोस्तों एफ ई, देन ये है क्या है दोस्तों ए एफ इक्वल टू क्या है दोस्तों सी। क्या है दोस्तों, देख लो अपोजिट साइड्स रेगुलर हेक्सागन और यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल दोस्तों। हाँ हमें प्रूफ क्या करना है दोस्तों, देख लो ये है फर्स्ट वन। हाँ क्या है दोस्तों, देख लो, हाँ क्या प्रूफ करना है हमें, एल एच एस इक्वल टू देख लो दोस्तों, एल एच एस इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ दोस्तों। देख लो, तो ये है हमारे लिए रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन यानी व्हाट, अपोजिट साइड्स। हाँ देख लो दोस्तों, अपोजिट साइड्स आर देख लो ये क्या है रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर ये है हेक्सागन दोस्तों, हाँ यानी देयरफॉर ये है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड क्या है। देख लो फ्रेंड्स, क्या है ए बी क्या है दोस्तों, ये ए बी था क्या होना, ए सी है ना, ए बी है दोस्तों ए बी, देन ए सी होना क्या है दोस्तों ए डी होना है, ये ए डी, ए डी के बाद ए ई होना दोस्तों, ये है ए ई। हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है, हाँ ए सी, हाँ देख लो फ्रेंड्स ए सी और ए एफ और क्या है दोस्तों डी सी सेम है ना, सी डी ए एफ और सी डी सेम है। देख लो फ्रेंड्स, ये हमारे पास ए सी, हाँ देख लो फ्रेंड्स ये ए सी प्लस, हाँ ए सी प्लस क्या है दोस्तों सी डी, सी डी यानी क्या है ए एफ है, सी डी और ए एफ सेम है दोस्तों, ये है यहाँ पर ए एफ दोस्तों, हाँ प्लस ए डी एज इट इज। हाँ देख लो फ्रेंड्स, हाँ देन हाँ ए डी लेने के बाद ए ई क्या है दोस्तों, ए ई, ए ई प्लस क्या होना ईडी है ना दोस्तों, ए ई प्लस क्या होना ईडी होना, ईडी यानी क्या है ए बी है। देख लो दोस्तों, ये है ए ई प्लस क्या है दोस्तों, ये ए बी है दोस्तों। हाँ हाँ देन देख लो फ्रेंड्स, हाँ क्या है ये ए सी प्लस ए एफ, ए एफ यानी क्या है दोस्तों सी डी है, ए एफ यानी सी डी, हाँ देन ए डी एज इट इज फ्रेंड्स, ए ई देख लो फ्रेंड्स, हाँ ए ई प्लस ए बी, ए बी यानी क्या है दोस्तों, ए बी यानी क्या है ई डी है, ए बी यानी क्या है दोस्तों ये ई डी है।
हाँ देख लो फ्रेंड्स यूजिंग है ना एसी प्लस सीडी है दोस्तों ट्रायंगल लॉ एसी प्लस सीडी यानी एडी है ना ट्रायंगल लॉ यूजिंग देख लो फ्रेंड्स यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हाँ देख लो फ्रेंड्स ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या ये एसी प्लस सीडी देख लो फ्रेंड्स हाँ एसी प्लस सीडी यानी क्या है एडी हाँ देख लो ये एडी प्लस एडी एच सीडी दोस्तों ए प्लस सीडी क्या ये ए है ना ए प्लस ईडी यानी व्हाट एडी दोस्तों ये है एडी क्या है दोस्तों वन टू थ्री ये थ्री टाइम्स एडी है दोस्तों यानी एल एच एस इक्वल टू क्या है हमारे पास दोस्तों आर एच एस तो ये है मिनिमम दो तीन मार्क्स के लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों देख लो ये है हमारे लिए फर्स्ट वन फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 5.1 देख लो फ्रेंड्स ए प्रॉब्लम्स आर टोटली डिपेंड ऑन एक्सरसाइज नंबर 5.1 सेकंड वन देख लो फ्रेंड्स देन सेकंड क्वेश्चन देख लो फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक एज वेल एज फ्रॉम बोर्ड क्वेश्चन बैंक देख लो क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट मतलब इसके बाहर ये टाइप के बाहर कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं दोस्तों हाँ प्रॉब्लम्स नेवर बी आस्क अभी तक नहीं पूछे गए और आगे भी नहीं पूछने वाले हैं ये जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है इसके बाहर कुछ भी आता है दोस्तों हाँ हाँ सेकंड वन दोस्तों देख लो हाँ क्या है हमारे पास ये ट्यूमर वेक्टर है ए इक्वल टू आई माइनस टू जे क्या हुआ दोस्तों वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट क्या हाथ में वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट हमारे पास अलॉन वेक्टर ए 7 यूनिट के लिए 1 यूनिट होना देयरफॉर देखो फ्रेंड्स यूनिट वेक्टर अलॉन वेक्टर ए इज देख लो फ्रेंड्स वेक्टर ए क्या इक्वल टू वेक्टर ए बाय मॉड ए है ना यूनिट वेक्टर अलॉन द डायरेक्शन ऑफ अलॉन वेक्टर ए ये है देख लो फ्रेंड्स क्या है ये आई माइनस टू जे बाय अंडर रूट ऑफ क्या है दोस्तों ये वन ए स्क्वेयर क्या है दोस्तों माइनस टू इसका स्क्वेयर क्या है दोस्तों आई माइनस टू जे है तो देख लो फ्रेंड्स बाय वन प्लस फोर है दोस्तों ये ए क्यूब ए क्या इक्वल टू आर माइनस टू यू यू कैन टेक ऐसा भी ले सकते दोस्तों हाँ अंडर रूट ऑफ 5 ए है हमारे लिए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए देयरफॉर क्या है दोस्तों देयरफॉर रिक्वायर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 रिक्वायर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स अलॉन्ग वेक्टर ए अलॉन्ग ए इज देख लो फ्रेंड्स क्या है इज गिवन बाय क्या है 7 इंटू ए क्या है दोस्तों 7 इंटू आर माइनस टू जे बाय अंडर रूट ऑफ 5 तो ये है दोस्तों वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट अलॉन्ग वेक्टर ए दोस्तों तो ये दो मार्क्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सेकंड के बाद दोस्तों सेकंड के बाद थर्ड के लिए आवाज हाँ सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन के लिए आओ दोस्तों हाँ सेकंड के बाद ये थर्ड क्वेश्चन के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों देख लो हाँ ये थर्ड वन थर्ड देख लो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है शो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोलिनियर क्या है दोस्तों शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर हाँ पॉइंट्स हमारे पास है दोस्तों क्या है पॉइंट्स हमारे पास ए क्या है दोस्तों देख लो 3, 2, -4 बी यानी व्हाट 9, 8, -10 सी -2, -3 और 1 हाँ क्या है दोस्तों वी हैव टू शो दैट दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर देख लो फ्रेंड्स लेट वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बी द पोजीशन वेक्टर्स
of the points A, B and C respectively with reference to O as origin है दोस्तों। हाँ तो ये है तुम्हारे लिए, देख लो दोस्तों। हाँ तो ये है वेक्टर A, वेक्टर A यानी 3i प्लस 2j माइनस 4k, देन वेक्टर B, वेक्टर B क्या है दोस्तों, i j k यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्सिस 9i प्लस 8j माइनस 10k। हाँ देन C के लिए दोस्तों, C के लिए क्या है, माइनस 2i माइनस 3j प्लस k है। तो ये है तुम्हारे लिए। हाँ हमें क्या बोला दोस्तों, कोलिनियर बताना है, यानी यू नो ए बी इक्वल टू बी माइनस ए, क्या है दोस्तों बी माइनस ए, बी माइनस ए दोस्तों, हाँ वेक्टर बी माइनस ए, बी माइनस ए दोस्तों 9 माइनस 3 यू कैन टेक डायरेक्टली, 9 माइनस 3 क्या है दोस्तों 9 आई प्लस 8 जे माइनस 10 के माइनस ए, यानी 3 आई प्लस 2 जे माइनस 4 के दोस्तों, देख लो ये 9 माइनस 3 यानी 6 आई, 8 माइनस 2 यानी प्लस 6 जे, और माइनस 10 माइनस माइनस प्लस यानी प्लस माइनस 6 है ना दोस्तों, माइनस 6 के। तो ये है हमारे लिए दोस्तों ए बी इक्वल टू 6 इंटू आई प्लस जे माइनस के। तो ये है ए बी दोस्तों, ए बी वेक्टर ए बी, देन क्या है दोस्तों सिमिलरली बी सी के लिए आप फ्रेंड्स, बी सी यानी सी माइनस बी, क्या है दोस्तों सी माइनस बी, सी माइनस बी है दोस्तों माइनस 2 माइनस 9, सी माइनस बी माइनस 2 माइनस 9 माइनस 11 आई, माइनस 3 माइनस 8 है दोस्तों माइनस 3 और ये माइनस 8 माइनस 11 जे, और 1 माइनस माइनस प्लस 10, 1 माइनस माइनस प्लस 10 इतना ये 11 के दोस्तों। तो ये है हमारे लिए माइनस 11 कॉमन लो दोस्तों, आई प्लस जे है माइनस के, क्या है दोस्तों बी सी इक्वल टू माइनस 11, आई प्लस जे माइनस के दोस्तों, आई प्लस जे माइनस के क्या है ये 6 आता नीचे, ये 6 नीचे लो फ्रेंड्स, 1/6 क्या है ये ए बी है दोस्तों, बी सी इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी है दोस्तों, क्या है ये ए बी एंड बी सी दोस्तों देख लो आर स्केलर मल्टीपल है, आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर है, ऑफ ईच अदर एंड बी है, ए बी और ये बी सी यानी बी कॉमन है, बी इज कॉमन पॉइंट, बी इज कॉमन, देयरफॉर दोस्तों क्या है ए बी एंड बी सी है दोस्तों, देख लो क्या है ये वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी क्या है दोस्तों कोलिनियर है, टू वेक्टर्स आर कोलिनियर यानी गिवन थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर है दोस्तों, ए बी और ये बी सी कोलिनियर यानी गिवन टू गिवन थ्री पॉइंट्स आर है, ए बी सी थ्री पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स आर आल्सो कोलिनियर। तो ये है हमारे लिए थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेकंड वन विल बी होमवर्क फॉर यू दोस्तों, हां सेकंड वन तुम्हारे लिए होमवर्क है दोस्तों, देख लो हां। तो ये है वेक्टर फर्स्ट पार्ट में, थर्ड में ये फर्स्ट सब क्वेश्चन दोस्तों, हाँ नेक्स्ट फोर्थ वन क्वेश्चन दोस्तों, देन फोर्थ क्वेश्चन देख लो फ्रेंड्स, ये फोर्थ सब क्वेश्चन देख लो फ्रेंड्स क्या है, नेक्स्ट वन क्या है दोस्तों देख लो, फोर्थ वन क्या है हमारे पास, हाँ सिंस देख लो फ्रेंड्स 2i माइनस 2j प्लस 3j एंड क्या है दोस्तों 4i माइनस 5j प्लस 6k, देख लो फ्रेंड्स ये जो दो वेक्टर्स है हमारे पास है ना, ये जो दो वेक्टर्स है आर वी हैव गिवन कोलिनियर दोस्तों, देख लो हाँ क्या है दोस्तों आर कोलिनियर,
हाँ देख लो दोस्तों, टू आई, ये जो दो वेक्टर्स है, वेक्टर्स है कि फर्स्ट वेक्टर और ये सेकंड वेक्टर आर कोलिनियर, यानी देयरफॉर क्या है दोस्तों, हाँ कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के दोस्तों, हाँ कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के आर इन प्रोपोर्शन, हाँ कोलिनियर यानी इन कॉन्स्टेंट स्केलर मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल यानी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मल्टीपल यानी क्या है, सपोज कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के आर इन प्रोपोर्शन, देयरफॉर क्या है 2/4 इक्वल टू -2/-5 इक्वल टू 3/6, देख लो फ्रेंड्स क्या है, देयरफॉर क्या है 2/5 इक्वल टू 3/6 है दोस्तों, क्या है 2/4 -2/-5 और 3/6 दोस्तों, क्या ये 3 1 3 2 2 कितना है दोस्तों 5, ऊपर लो ये 5/2, ये है फोर्थ क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए और एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सपोज दो वेक्टर्स आर कोलिनियर, यानी जो कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के आर कंपल्सरी इन प्रोपोर्शन इन कॉन्स्टेंट मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल यानी कॉन्स्टेंट मल्टीपल यानी सेम प्रोपोर्शन, तो ये है दोस्तों तो रिलेटिव इक्वल टू 5/2, तो ये है फोर्थ वन। देन फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के लिए आप फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लो, आज फोर के बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लो फ्रेंड्स क्या है, हाँ फिफ्थ में हमें वेक्टर ए बी सी आर नॉन कोप्लानर वेक्टर्स देख लो फ्रेंड्स, आगे क्या है क्वेश्चन में हमारे पास एक है, यहाँ पर जो है ये वेक्टर जो है नॉन कोप्लानर वेक्टर, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है देखो क्वेश्चन देख लो दोस्तों आप, प्रूव दैट 2a-4b+4c देन a-2b+4c और -a+2b+4c, ये जो है दोस्तों ये कोलिनियर बता रहा है, वी हैव टू प्रूव दैट दीज थ्री वेक्टर्स आर कोलिनियर, देख लो लेट सपोज इसको p बोल दो, इसको q बोल दो एंड इसको r बोल दो दोस्तों, है हाँ देयरफॉर दैट ये क्या है पी क्यू दोस्तों, यानी q-p क्या है फ्रेंड्स, q-p यानी यू कैन टेक डायरेक्टली q-p दोस्तों, a-2a है ना, q-p यानी a-2a -a -2a -+ -2 और ये -+ क्या है दोस्तों 2b, अब 4-4 यानी 0 छोड़ दो, qr है दोस्तों qr यानी r-q देख लो फ्रेंड्स, r-q क्या है ये r-q -a ये r-q दोस्तों माइनस क्या है 2a 2-+2 यानी क्या है दोस्तों 4b ये 0 है दोस्तों, क्या है फिर ये qr इक्वल क्या है माइनस दो कॉमन लो a है ना दोस्तों, क्या है यू कैन टेक अगली माइनस ये दो कॉमन लो दोस्तों, क्या है ये -a+2b है तो क्या है दोस्तों qr इक्वल टू 2 × क्या है -a+2b है ना दोस्तों, ये फर्स्ट वन और ये सेकंड वन, ये pq है दोस्तों, देयरफॉर क्या है pq एंड qr, r क्या है दोस्तों स्केलर मल्टीपल है ना, स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर है, स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर है, क्या है क्यू इज कॉमन है दोस्तों कॉमन पॉइंट, देयरफॉर pq एंड qr आर कोलिनियर है, देयरफॉर गिवन पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर्स है, गिवन पॉइंट्स है दोस्तों pqr यानी p का पोजिशन वेक्टर है, ये q का ये r का
है. देयरफॉर गिवन पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स, दोस्तों पोजीशन वेक्टर्स आर कोलिनियर. दोस्तों देख लो, ये बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये फॉर्म में दो मार्क्स के लिए, एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं. पॉसिबिलिटी बहुत है दोस्तों. देन एक दो तीन तीन मार्क्स के लिए क्वेश्चन, एक नेक्स्ट और एक लास्ट क्वेश्चन एक पीरियड के लिए देख लो फ्रेंड्स क्या है ये. नेक्स्ट ये नेक्स्ट और ये लास्ट दोस्तों देख लो ये फ्री. हाँ हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है ये सिक्स्थ वन दोस्तों देख लो. हमारे पास क्या है ये क्यूवन आर इक्वल टू नाइन आर प्लस टू जे माइनस सेवन के दोस्तों. देन ए इक्वल टू क्या है थ्री आर माइनस टू जे प्लस के. एंड बी इक्वल क्या है दोस्तों आई प्लस टू जे माइनस थ्री के. तो क्या है हमें क्या बताना है दोस्तों. एक्सप्रेस सिक्स क्वेश्चन एक्सप्रेस दिस वन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड. क्या है दोस्तों वी हैव टू एक्सप्रेस फर्स्ट वेक्टर एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड. देख लो फ्रेंड्स क्या है ये लेट आर इक्वल टू क्या है एक्स इंटू ए प्लस वाई इंटू बी वेयर एक्स एंड वाई बी एनी कॉन्स्टेंट्स एनी स्केलर्स दोस्तों देख लो एनी स्केलर. हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है फिर ये नाइन आर प्लस टू जे माइनस सेवन के एक्स इंटू क्या है ये थ्री आर माइनस टू जे प्लस के प्लस वाई इंटू क्या है दोस्तों आई प्लस टू जे माइनस थ्री के है. तो देख लो ये क्या है नाइन आर प्लस टू जे माइनस सेवन के. हाँ देख लो ये आई आर है ना ये आर ये क्या है आई ये क्या है छे और ये क्या है कि मल्टीप्लाई करो दोस्तों क्या है ये थ्री एक्स प्लस वाई इंटू आर. हाँ देख छे के लिए और फ्रेंड्स ऐसा यहां पर क्या है ये माइनस टू एक्स प्लस टू आर इंटू छे. हाँ देन प्लस के इंटू हाँ मल्टीप्लाई करो दोस्तों एक्स माइनस थ्री वाई है दोस्तों. तो ये है हमारे लिए है ना ये दो वेक्टर्स इक्वल है ना ये टू वेक्टर्स आर इक्वल तब इक्वल होते देयर कंपोनेंट्स आर ऑल्सो सेम देयरफॉर ये क्या है दोस्तों थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइन वन देन माइनस टू एक्स प्लस टू वाई है दोस्तों ये माइनस टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू ये टू. हाँ देन दो है ना दो से हम सत्य हुए दो है ना दोस्तों दो से डिवाइड करो यानी वॉट माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू ये है सेकंड वन दोस्तों. देन लास्ट वन क्या है हाँ लास्ट वन क्या है के लिए दोस्तों क्या है एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस सेवन दोस्तों. तो ये फर्स्ट है थर्ड है ना ये कोएफिशिएंट्स ऑफ आर फर्स्ट वन कोएफिशिएंट्स ऑफ जे यानी सेकंड वन कोएफिशिएंट्स ऑफ के ये थर्ड है दोस्तों. हम क्या करेंगे ये हियर आर थ्री इक्वेशन देन यू कैन टेक यू कैन सॉल्व टू ऑफ देम साइमल्टेनियसली. देखो दोस्तों क्या ये एडिंग क्या है सेकंड एंड थर्ड दोस्तों ये दोनों का एडिशन कर लो फ्रेंड्स क्या ये देख लो है ना. तो ये देख लो क्या है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल क्या है दोस्तों दो से डिवाइड टू वन जा टू टू वन जा टू और ये टू वन जा टू दोस्तों इक्वल टू वन एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस सेवन ये प्लस कितना होता है दोस्तों माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस सेवन प्लस वन माइनस सिक्स वाई इक्वल टू थ्री है दोस्तों है ना वाई इक्वल टू थ्री है. देन वाई इक्वल टू थ्री यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लो फ्रेंड्स देख लो क्या है देयरफॉर वाई इक्वल टू थ्री क्या है यहां पर लो
माइनस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू वन है, माइनस एक्स इक्वल टू क्या है दोस्तों माइनस टू, यानी एक्स इक्वल टू टू है, एक्स का वैल्यू टू है और वाई का थ्री है। अगर दीज टू इक्वेशन एक्स एंड वाई फ्रॉम सेकंड और थर्ड कंपल्सरी सैटिस्फाई फर्स्ट वन, देख लो फ्रेंड्स क्या है दोस्तों ये थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये दो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो एक्स और वाई है हमारे पास कंपल्सरी सैटिस्फाई दिस वन, क्या ये थ्री इंटू क्या है दोस्तों एक्स यानी थ्री, वाई कितना है टू है दोस्तों कितना ये हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या ये एक्स के लिए टू है दोस्तों, एक्स के लिए टू है, वाई के लिए कितना है दोस्तों ये थ्री है सिक्स, ये सिक्स प्लस थ्री यानी नाइन है दोस्तों है ना, यानी देयरफॉर क्या है एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल क्या है दोस्तों टू एंड वाई इक्वल टू थ्री अल्सो सेटिस्फाई है ना, अल्सो सेटिस्फाई इक्वेशन क्या है दोस्तों वन है ना। ये दो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मुझे एक्स टू और वाई थ्री मिला, ये अल्सो क्या है दोस्तों ये इक्वेशन नंबर वन है ना, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है दोस्तों ये लाइन कंपल्सरी एक्स इक्वल टू टू और थ्री के लिए अल्सो सेटिस्फाई इक्वेशन वन, देयरफॉर अल्सो है ना देयरफॉर जो एक्स और वाई है कंपल्सरी सेटिस्फाई ऑल द थ्री इक्वेशन, यानी देयरफॉर फॉर लास्ट स्टेप हम यहां पर ले सकते सिक्स के लिए देख लो दोस्तों क्या है आर इक्वल टू एक्स यानी क्या है टू इंटू ए वाई यानी थ्री इंटू बी, तो ये है दोस्तों आर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, क्या है दोस्तों आर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी दोस्तों, तो ये है हमारे लिए ये सिक्स्थ वन फॉर क्लियर नंबर वन दोस्तों, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अवर बोर्ड एग्जाम 2021 तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होल वेक्टर विल बी कंपल्सरी 100% यू हैव टू डू फ्रॉम ओनली माय रेगुलर पेज कंप्लीटली यू विल गेट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम दिस चैप्टर, 100% क्वेश्चन आर कंपल्सरी फ्रॉम दिस शेप्स, थैंक यू।